नमस्कार, मैं कुंदन जमयार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस को देश की हर समस्या का जिम्मेदार बताया। सीएम ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद समेत हर समस्या के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर महाराणा प्रताप की अनदेखी का भी आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के लिए मुगल शासक अकबर महान है, महाराणा प्रताप नहीं। सीएम योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, कांग्रेस राम विरोधी है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कांग्रेस चाहती नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, नर रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा, ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था, कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। तो हिंदू के खलनायक कांग्रेस के नायक है क्या, अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के इर्द-गिर्द आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे जुड़े हुए और भी कुछ सवाल है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ने मुगलों का महिमामंडन किया, जो आरोप लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में, इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। क्या तुष्टिकरण के लिए मुगलों की तारीफ की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि कांग्रेस इस सवाल का सामना लंबे वक्त से करती आ रही है। क्या महाराणा के प्रताप को कांग्रेस ने अनदेखा किया, अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या राम मंदिर की विरोधी है कांग्रेस, जैसा कि बताया गया, और योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, 500 सालों का जो लंबित इंतजार था राम मंदिर का, वो इंतजार खत्म होने को है। तो बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर। ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, और डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ओपी सिंह साहब से। ओपी सिंह साहब, ये जो आरोप लगाया है, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी, लेकिन ये आरोप बेहद गंभीर हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मध्यप्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पर लगाया है। उधर जी, योगी जी ने जो मध्यप्रदेश की सभा में कहा है, ये आरोप नहीं है, बल्कि ये देश की सच्चाई है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करने के कारण शुरू से, जब से देश आजाद हुआ और आज तक, जब तक वो सत्ता में रहे इनके अंतिम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब तक इन्होंने पूरे देश में तुष्टिकरण की राजनीति किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो जो है तुर्क आक्रांता अकबर को कहते हैं कि महान है, और जो देशभक्त है, जो देश अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान के कारण लड़ते रहे, वो महान नहीं है। इतिहास को इन्होंने कलंकित करने का काम किया, इतिहास को इन्होंने अपमानित करने का काम किया। आप बताइए, इतिहास जब पढ़ाया जाता है तो अकबर के बारे में बहुत सी चीजें बताई जाती है। अकबर ने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, अकबर जो है बाबर, चंगेज खान, तैमूर के वंश को अपने गर्व करता था, वो उसने जो है हिंदू महिलाओं का अपहरण किया, 5000 हरम में महिलाओं को रखता था। महाराणा प्रताप तो कभी किसी का अपमान नहीं किया, वो मुस्लिम महिलाओं को मां के समान मानते थे। वो आक्रांता, तुर्क आक्रांता जो हमारे देश पर आक्रमण किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, सारे देशों पर उसने कत्लेआम किया और किया, वो महान कैसे हो सकता है?
ये हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो उस समय भी पढ़ाया जाता था कांग्रेस के शासन में कि अकबर महान। और आप देखिए, जब से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने अंतिम दम तक मनमोहन जी की सरकार तक संविधान में तुष्टिकरण की राजनीति करने के कारण मुसलमानों के पक्ष में एक दो नहीं संविधान में इन्होंने 14 से 15 परिवर्तन किया जिसमें सारा अधिकार इन्होंने तुष्टिकरण के कारण जो है मुसलमानों को दिया। आपने मुसलमानों को दिया, हमें इससे कोई परहेज नहीं है, देना चाहिए उनको। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुओं को अपमानित, राम मंदिर के मामले में ये कहते हैं, कुंदन जी मैं आपसे आपके माध्यम से एक सवाल करता हूँ, 31 साल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या में राम मंदिर पर गया हो, राम मंदिर का दर्शन कर रहे तो बताइए। आज ये कहते हैं कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी राजनीत करती है। अरे 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके पहले हम 2014 का, 2017 का, 2019 का चुनाव जीत चुके। आप तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, आपने राम सेतु के वजूद को नकारा। आप किस मुंह से आज बात करते हैं और आप कहते हो कि हम राजनीति करते हैं। हमारी 3-3 सरकारें चली गई। आज जो है अयोध्या की जो स्थिति है, जो 22 तारीख को जो होने जा रहा प्राण प्रतिष्ठा, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और कुंदन जी एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आज देव दीपावली हो, 24 लाख दिए जलाए जा रहे हो, अयोध्या जो है का विकास हुआ, मथुरा में दीपोत्सव हुआ, काशी कॉरिडोर हुआ, चित्रकूट का विस्तार हुआ, क्या ये कांग्रेस और सपा के सरकार में हो सकता था, संभव था? अरे 4 बार सपा की सरकार थी, प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपया वो कब्रिस्तान की दीवार पर बनाने पर खर्च करते थे, 300 करोड़ रुपया सफाई महोत्सव पर करने। इन्होंने एक अधेला अगर हिंदुओं का सम्मान करते, आज 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है राम मंदिर, तो आप तंज कसते हो, आप भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाते हो और अकबर को महान करते हो और महाराणा प्रताप के जीवन को आप पढ़ाते नहीं, ये है आपका कल्चर। तो ये शुरू से लेकर अब तक चाहे धारा 370 का पाप किया हो जिसको हटाने का काम जो है मोदी जी ने किया हो, चाहे राम मंदिर बनाने का सपना हो 110 करोड़ हिंदुओं का, ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये तो तुष्टिकरण की राजनीति किया। ठीक है, इसका जवाब देगी डॉक्टर अनूप प्रसाद। बहुत गंभीर आरोप, और ओपी सिंह तो कह रहे हैं कि आरोप नहीं सच्चाई है, देश की सच्चाई है। चलिए, उनसे उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। यादव साहब, ये गंभीर आरोप कांग्रेस पर, और कांग्रेस को तो आप मध्यप्रदेश चुनाव में आप लोग भी कोस रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कुंदन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कहा कांग्रेस पार्टी को कि बहुत चालू पार्टी है, तो उसके पीछे रीजन है, और उसके पीछे रीजन ये है कि जब हमारे साथ उनका गठबंधन था और मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम किया, तो इसके लिए यही शब्द मुनासिब था, धोखा देने वाला। दूसरी बात कि इनके जो छत्रप है, चाहे वो कमलनाथ जी हो या अजय राय जी हो उत्तर प्रदेश में, लगातार इस तरह जो व्यवहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। आप देखेंगे अजय राय जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं कर रहे, न तो कुछ बोल रहे हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के मतलब मिशन पे उसका है। और चूंकि ये चीज अभी ये नहीं स्पष्ट हो पा रही कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के सहमति से ये लोग ऐसे कर रहे हैं या अपने मनसा इनकी यही है, तो ये सारी चीजें जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम लोग मिल बैठ के इस पे गहन मंथन कर लेंगे। रह गई बात बाकी जो चीजें हो रही हैं, जिस चीज की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं ओपी सिंह साहब से जानना चाहता हूं कि आप तमाम बातें कहे मैंने सुना, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने जो डायल 100 सेवा दिया था उत्तर प्रदेश में, जो न्यूयॉर्क और सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पे 10 मिनट में शहर में और 15 मिनट में क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस का जो दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, आज आपने क्या किया उनके साथ? जो डायलॉग जो वहां पे लेडीज है, अशोक यादव साहब, अभी तो हम लोग बैठे हैं महाराणा प्रताप और मुगलों की बात करने के लिए, तो महाराणा प्रताप और मुगलों को लेकर के सोच समाजवादी पार्टी का क्या, ये बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा।
देखिए कुंदन जी, मैं वही कह रहा था कि ये बात बात देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं से झाड़ पहुंच के जो गिरा रहता उसको उठा के लाती है और सोचती है कि सारे विकास की बातें भूल जाएंगे इसी उसमें भ्रम में पड़ के। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई, जनता को पता है ये सारी बातें जो भी धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इस ट्रैप में फिलहाल जनता नहीं आने वाली है। जनता पूछेगी कि जो डायल 100 सेवा अखिलेश यादव जी ने दिया था उसको आपने क्यों बर्बाद किया। जनता पूछेगी कि उन महिलाओं को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको क्यों पीटा जा रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करती भारतीय जनता पार्टी और वहां पे लखनऊ में क्या तांडव किया गया उन महिलाओं के साथ। तो इस तरह की चीजें जनता देख रही है कि आप बेटियों की बात करते हैं और सबसे ज्यादा बेटियों का उत्पीड़न आपकी सरकार में होता है। आप हिंदुओं की बात करते हैं कुंदन जी, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, क्योंकि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में जो 20,000 के लगभग पद मारे गए ओबीसी एससी का, क्या वो हिंदू नहीं थे कुंदन जी? वो भी तो हिंदू थे। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आप लगातार पिछड़ों दलितों का शोषण करने काम करते हैं। संजीव